सनी क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है, ज्यादा मुश्किल क्या था तीन चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर टू, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए, इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है, वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही है। बिल्कुल, हाँ, आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स, और सब 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 फिल्में हिट रही हैं। आज के जमाने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले जमाने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही, जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है, और हम भूले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देन है कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था, जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, या परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है, और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जोड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता था। बिल्कुल, मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे लविंग इट, एंड दे लविंग इट। एंड आई प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस, पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन हम सब पब्लिक हैं। आपका मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो, आपको कोई बड़े हो, आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आपको अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, घर को समझो, और ये जो बाकी चीजों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें पता ही नहीं, हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइंड ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं, हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का ऐसे करें, मैंने क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है? And मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया था। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं, बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज्यादा बोल गया, लव यू। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूँ। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानी